हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील किसी परिचय का मोहताज नहीं है। टाटा स्टील आज स्टील के क्षेत्र में सबसे बड़ा ब्रांड है। लेकिन आपको पता है कि टाटा स्टील का एक बार ऐसा दौर भी आया जब संकट के दौर से गुजरी, जब कंपनी के पास में केस नहीं था, जब कंपनी के पास में कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे। उस वक्त एक लेडी सामने आई और उस कंपनी को संकट से निकाला, उस कंपनी को केस दिया और उस कंपनी ने फिर सैलरी दी कर्मचारी को और वो कंपनी संकट से निकली और आज वो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है स्टील के क्षेत्र में। अब आप जानोगे आखिर वो लेडी, आखिर वो महिला कौन थी जो उस संकट से उस कंपनी को निकाला। आइए अपन देखते हैं। हरीश भट्ट एक ऑथर हैं जिन्होंने अपनी अभी नवीनतम पुस्तक लिखी है टाटा स्टोरीज। टाटा स्टोरीज में इन्होंने बताया कि कैसे मेहर भाई टाटा ने टाटा स्टील को संकट से निकाला। अभी मेहर भाई टाटा कौन है देखिए। मेहर भाई टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा की पत्नी थी। अब उन्होंने कंपनी को संकट से कैसे निकाला देखिए। सर दोराबजी ने एक बार अपनी पत्नी मेहरबाई के लिए लंदन के व्यापारियों से 245 कैरेट का जुबली हीरा खरीदा। एक बार सर दोराबजी और उनकी पत्नी लंदन में थे, तब उनकी स्थिति अच्छी थी और वेल कंडीशन थे। तब उन्होंने लंदन में एक बार उनको हीरा पसंद आ गया था व्यापारियों को, फिर उन्होंने व्यापारियों से 245 कैरेट का एक जुबली हीरा खरीदा था। उसकी कीमत देखिए आप, वो हीरा कोहिनूर से भी दुगुना बड़ा था। अब कोहिनूर से दुगुना बड़ा, कोहिनूर के बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि भारत से कोहिनूर चुरा के ब्रिटेन ले गया। आज भी ब्रिटेन में कोहिनूर हीरा लगा हुआ है महारानी के मुकुट के ऊपर और आज भी भारत उस हीरे को डिमांड करता है। उस हीरे की कितनी कीमत थी, तो उस कोहिनूर हीरे से ये दुगुना था। तो अब आप समझ लीजिए कि उस वक्त जो मेहरबाई ने जो हीरा खरीदा था उसकी कीमत कितनी होगी। उसकी कीमत 1900 दशक में इसकी कीमत 1,00,000 पाउंड थी। 1,00,000 पाउंड यानी ये पाउंड इंग्लैंड की करेंसी है, उस 1,00,000 पाउंड उसकी कीमत थी। मतलब बहुत बड़ी कीमत थी उस जमाने में उस हीरे की। तो 1924 में जब 1924 में टाटा स्टील के सामने केस का संकट शुरू हो गया, उसके पास केस नहीं था टाटा स्टील, और टाटा स्टील नुकसान में जाने लगी और नुकसान में चलने लगी, तब कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं थे। जब 1924 में टाटा स्टील के ऐसे दिन भी आए जब केस की किल्लत आ गई थी और कंपनी नुकसान में जाने लग गई थी, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मेहरबाई ने उस वक्त सोचा, उस वक्त अपने लिए नहीं सोचा, उसे अपने परिवार के लिए नहीं सोचा, उस वक्त उनके पास जो निजी संपत्ति थी और ये हीरा था, उन्होंने कंपनी के लिए इंपीरियल बैंक में गिरवी रख दी। ये देखिए उस लेडीज़ की, अगर वो लेडीज़ उस वक्त ये कदम नहीं उठाती तो शायद आज टाटा स्टील इस मुकाम पे नहीं होती। ये देखिए, मेहरबाई टाटा ने अपना जुबली डायमंड हीरा और उसके साथ ही उनकी निजी संपत्ति भी इंपीरियल बैंक में वो गिरवी रख दी और ताकि टाटा स्टील फंड जुटा सके और कर्मचारियों को सैलरी दे सके। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि कंपनी में सुधार हुआ और कंपनी रिटर्न देने लगी और स्थिति वापस सुधरी। तो ये देखिए उस लेडीज़ के बारे में जो आज शायद कोई नहीं जानता होगा, मेहर भाई टाटा, जिन्होंने टाटा स्टील को संकट से निकाला और वापस उस मुकाम पर पहुंचाया। टाटा स्टील आज वो ब्रांड है जिसके बारे में उसका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं। टाटा ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है कि हर नौजवान, हर कर्मचारी टाटा ब्रांड में नौकरी करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? टाटा हमेशा अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करती है। टाटा हमेशा अपने कर्मचारियों, अपने देश के लिए काम करती है। टाटा अपने कर्मचारियों को अपने परिवार की तरह समझती है, इसीलिए आज टाटा की ब्रांड वैल्यू सबसे ऊपर है देश में। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।